हाय एवरीवन, वेलकम टू सुजास किचन। इसे देखते ही आपको मुंह में पानी आ रहा है ना? बिल्कुल आपने सही सोचा। इस बार हम बनाएंगे एकदम डिफरेंट तरीके से मैंगो शीरा यानी मैंगो केसरी बात। नॉर्मली हम जो सिर्फ सूजी से नहीं तो पाइनएप्पल डाल के बनाते हैं, इस बार मैंगो का सीज़न है तो मैंगो डाल के बनाएंगे। तो फिर चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंगो शीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक मैंगो, पके हुए आम। ये अल्फांसो मैंगो है, बहुत मीठा रहता है, तो इसका मैंने प्यूरी बना के रख दिया। ये देखिए एकदम स्मूथ प्यूरी बन गई है। अभी एक टीस्पून घी गरम के लिए रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर। फिर इसमें डालेंगे काजू, 5 से 6 काजू लिया है। इसे फ्राई कर लेते हैं। ये हल्का सा फ्राई होते ही इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 किशमिश, इसे भी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से खुशबू आना चाहिए तब तक। आप ज़्यादा डाल दिए तो भी नो प्रॉब्लम, स्वीट तो अच्छी ही बनेगी, कितना डालोगे उतना अच्छी ही बनेगी। अभी ये अच्छे से फ्राई हो गई है तो एक प्लेट में निकाल देती हूँ। अब यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी यानी बारीक रवा, उपमा जो बनाते हैं ना वही। फिर 3/4 कप जितना घी लिया है, इसमें से आधा डाल रही हूँ, आधा बाद में यूज़ करने वाले हैं। फिर घी के साथ ये सूजी को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। सूजी का कलर भी चेंज होना चाहिए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन, और खुशबू भी आना चाहिए, तब तक रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हुआ और अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अभी इसे एक प्लेट में निकाल के रख देते हैं। फिर वही पैन को गरम के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। फिर इसमें डालेंगे 2.5 कप जितना पानी, 1 कप सूजी के लिए 2.5 कप जितना पानी बराबर है। अभी ये उबालने लगी है पानी, तो इसमें डालेंगे सूजी। सूजी डालने के बाद तुरंत लगातार चलाते हुए मिक्स करना है, क्योंकि ये जो सूजी है ना पानी को जल्दी अब्सॉर्ब करता है और एकदम थिकनेस होने लगती है, इसलिए फटाफट चलाते हुए इसे मिक्स करना है और पकाना है। ये देखिए कितना गाढ़ी हो गई है और अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। मैंने चीनी थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि आगे हम मैंगो प्यूरी डालने वाले हैं, उसका भी स्वीटनेस इसमें आ जाएगी, इसके लिए 1/2 कप डाल रही हूँ। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और अच्छे से पक जाएगी। अब इसमें डालेंगे ये जो केसर स्ट्रैंड्स, मैंने 5 से 6 केसर स्ट्रैंड्स को दूध में सोख के लिए रखी हुई थी। फिर इसके साथ ही डाल रही हूँ 1 कप आम की प्यूरी, ये जो हमने बना के रखे हुए थे, इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो आम का प्यूरी से ये शीरा में इतना टेस्टी बनेगी, बहुत अच्छी लगेगी आपको। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए। अभी तो मैंगो का सीज़न है, आसानी से मिल जाती है, मीठा रहता है ना, ऐसा वाला ही आम यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर अल्फांसो मैंगो यूज़ किया है। अभी 2 मिनट के लिए मिक्स करना है। बीच बीच में ये जो हमने घी निकाल के रखे हुए थे अलग से, उसमें से 2-2 टीस्पून जितना डालते हुए मिक्स करना है, क्योंकि इसमें टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगी और एकदम शाइनी बहुत अच्छा दिखेगी। मैंने 2-3 बार बीच बीच में घी डालते हुए मिक्स किया। और इसके साथ ही डाल रही हूँ ये जो ड्राई फ्रूट हमने पहले ही रोस्ट किया हुआ था, इससे भी डाल देते हैं। फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मैंने आम का प्यूरी बनाते वक्त थोड़ा सा पल्प से कट करके निकाल के रखी हुई थी आम के पीसेस को, तो इसे भी अभी डाल देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में खाते वक्त ये जो मिलेगा ना बहुत अच्छी लगेगी, इसके लिए मैं डाल रही हूँ। अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर गैस फ्लेम को बंद करेंगे। फाइनली हमारा एकदम टेस्टी डिलीशियस मैंगो शीरा बन के रेडी है। आप बिल्कुल इस बार मिस मत करिएगा, अभी मैंगो का सीज़न है, आसानी से मिल जाएगी। आप ज़रूर बना के देखिए, फिर मुझे कमेंट में बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी।
अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करेगा और शेयर करेगा, और पहली बार मेरा चैनल देख रहे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस करिए, मेरा आगे आने वाला नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।